बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा जो मौजूद है कानून के हवाले से बहस कर रहे हैं वो है प्रीएम्प्शन यानी हक़े शुफा। हक़े शुफा क्या है, केर कर सके तो, केरे वक्त कर सके तो। हक़े शुफा जो कॉन्सेप्ट क्या है कानून के अंदर, हक़े शुफा करने के लिए केर केरी शे की जरूरत है, केरी प्रॉपर्टी दे या केरी शे के हवाले से हक़े शुफा थी सके तो, यानी प्रीएम्प्शन राइट्स केर कर सके तो, कहे तरीके से कर सकते। इन सभी गाल समझने के लिए अज अस मोहम्मद अल्लाह के चैप्टर नंबर 13 से नजर रखा जो सब्जेक्ट मैटर है प्रीएम्प्शन यानी हक़े शुफा। प्रीएम्प्शन यानी हक़े शुफा एक शरई कानून है। मोहम्मद अल्लाह के चैप्टर नंबर 13 जो सब्जेक्ट मैटर हक़े शुफा के हवाले से है यानी व्हाट इज प्रीएम्प्शन, उनमें टोटल 24 आर्टिकल्स हैं चैप्टर नंबर 13 में। हक़े शुफा जो कंसेप्ट समझने के लिए असा के सब का पे रहे उनकी वजाहत उन टाइटल उनको नजरियो समझने खपे हक़े शुफा आए छा। हक़े शुफा मां ताके बतायो त एक शरई कानून है यानी मोहम्मद लॉ के हवाले से चैप्टर नंबर 13 में उनको मुकम्मल तौर पर जिक्र दिनल है तो व्हाट इज प्रीएम्प्शन। हक़े शुफा कदर हक़े शुफा वो हक है शरई कानून के हवाले से जेको मालिक मिल्कियत जेके पांजी प्रॉपर्टी हुए वो भरवारी मिल्कियत यानी प्रॉपर्टी ते दावा करे तो उन्हें जो जेको सेल है उन मिल्कियत जो विक्रो जेको है वो गलत थो है उन्हें जो हकदार पहलू मां आया उन्हें जो विक्रो जेकर थे तो वो पेरा मुख्य कर खे। मैं एक दफो रिपीट क्या त हक़े शुफा यानी प्रीएम्प्शन राइट्स वो करे सके तो जी मिल्कियत सा गड़ोगड़ कें पड़ोसी के पाड़ेवारे नेबर की मिल्कियत के समझे या उनके खबर पवे तो वह मिल्कियत उनकी इजाजत मुझे रास्ते मुझे कंसेंट का सवाय विक्रो थिया है जैसे पेरों हक मु पाड़ेसरी जो शरीक मिल्कियत जो हो लेकिन मुझे रजा का सवाल वह मिल्कियत विक्रो थी वही है तो वह गैरकानूनी गलत है। वो शख्स जो दावा करे तो वो प्रीएम्प्टर के जिमरे में अचे तो यानी हक़े शुफा के जिमरे में अचे तो वो पानी दावा प्रीएम्प्शन लॉ के हवाले से कर सके तो इन सौदे के इन विक्रे के कैंसिल करे खत्म करे पेरा मुखे हक दिनों वाले तो इन मिल्कियत के खरीद पाया। हाँ चैप्टर नंबर 13 मोहम्मद अल्लाह के हवाले से मुख्तसर तारीफ असा पाजे प्रीएम्प्शन जो ये दिनों से प्रीएम्प्शन केयर कर सके तो कहीं मिल्कियत कर सके तो इन हवाले से बस मुख्तसर पाजे नादरीन के बुधाई था हलूँ तो प्रीएम्प्शन जो राइट है वो इमोबल प्रॉपर्टी थे थी यानी गैर जानदार प्रॉपर्टी जर है तो उन्होंने असो प्रीएम्प्शन जो हक इस्तेमाल कर सकूँ था। मिसाल के तौर पर मुख्य जमीन है या मुझे घर है मुझे उन जमीन में या मुझे उन जमीन के भरसा या मुझे उन घर में या मुझे घर के भरसा का मिल्कियत का जाय का जमीन है जो बो शख्स जो मालिक मिल्कियत है उन भी मिल्कियत जो जमीन जो घर जो वो पाँजी वह गैर जानदार मिल्कियत कें बे के खपाए छी है मुखा पुछी ना है तो मां मालिक पाँजी मिल्कियत जो उन भरवारी मिल्कियत के खरीद करते जो हक रखा तो उनके प्रीएम्प्शन राइट्स समझे तो प्रीएम्प्शन राइट्स जेके हैं वो केड़ा केड़ा मानू कर सकता यानी हक़े शुफा केयर कर सके तो तीन किस्म जा शख्स प्रीएम्प्शन जो हक इस्तेमाल कर सकता। वो शख्स जैकी मिल्कियत इमोबल प्रॉपर्टी में बे के शख्स की हिस्सेदारी है वो हिस्सेदार शख्स पाँचों हिस्सों के थर्ड पार्टी के सेल कर छो तो मां वो शेयर उन इमोबल प्रॉपर्टी में सब का पे हकदार आया वह गडियल मिल्कियत जैमें मुझे हिस्सो है जो विक्रो कई वही है तो वह सब का पेर मुख्य दिनी वही यानी पे हक जो है वो को शेयर क्या है यानी गडियल पार्टनर गडियल हिस्सेदार क्या है तो वो पाँच हक़े शुफा जो सब का पे फर्स्ट स्टेज से पहली प्रायोरिटी जी होंगी वह उन्हें कोशिश रखी होगी। बो जो
हिस्सेदार है वो जो को क्लेमेंट है प्रीमिशन जो सेकंड क्लास जो को है वो यो है तो मुंजी मिल्कियत आई उन भरवारे मिल्कियत जे का उन खपाय से नहीं मुंजी रजा का सवाय उन जी मिल्कियत आई मुंजी मिल्कियत जो लद हिकड़ो ही है पानी हिकड़ो ही है वाकरो हिकड़ो ही है रस्तो पैसेज हिकड़ो ही है तो वो शख्स जिन जो गडियल रस्तो हो जे गडियल पानी जो वाकरो हो जे तो वो शख्स अगर जेकर पानी मिल्कियत खपाई तो सेकंड क्लास जेको है गडियल रस्ते वाले जो है गडियल पानी वाले जो है यानी पानी जो वाकरो जमीन में मोजो ए घर वाले जो गडियल वाला है गडियल है आई उन जो लंग पसा जो एकड़ो या है तो बियो क्लास जे कोंदो जो को दावा कर सकदो प्रीमिशन जो तो वो शख्स होदो तो मोजी मिल्कियत ए घर वाले की मिल्कियत जे पानी मिल्कियत खपाई उन जी रस्ते जे हवाले सा गडियल गडियल रस्तो है ए पानी जो हकरो गडा है लेकिन सेकंड जो को क्लास है प्रीमिशन जो तो वो केयर कर सके तो वो रस्ते वालो ए पानी वालो कर सके थर्ड क्लास जो को प्रीमिशन राइट क्लेम कर सके तो यो होदो तो मोजी उन में कोई शेयर को ना है न वरी मुझे को रस्तो या पानी में सकत है लेकिन हुन जी जमीन ए मोजी जमीन बराबर में है बरसा है इने करे बराबर बरसा हो जने दे करे मुझो थर्ड क्लास यानी थर्ड पार्ट जो को प्रीमिशन जो होदो वो यो होदो तो मोजी जमीन उने विक्रो कर जमीन जे लगो लगाए इने करे मुझो हक है तमाम उन जमीन के खरीद कया हां इते को सवाल पैदा थे तो जेकर कोई शेयर है त सेकंड एंड थर्ड क्लास जे को तो माना रस्ते जे ए पानी वाले हक वाले जो क्लेम न तो थे पहली प्रायोरिटी होंदी जे कोई शेयर हो अंदर पहली प्रायोरिटी वाला शख्स मौजूद ना है कोई शेयर वाला तो सेकंड क्लास जे को शख्स जे को प्रीमिशन राइट क्लेम कर दो वो यो होदो तो मुजो रस्तो ए पानी जो हमार विचार वक्रो उन विक्रो कर जमीन सा गडो गडा है इने करे मुजो बे नंबर ते हक है जदा पहले क्लास जो शख्स मौजूद न हुदो कोई शेयर देवा सा तो सेकंड क्लास के प्रायोरिटी हासिल होती तो वो पेना उन के मिले जेकर फर्स्ट क्लास वालो कोई शेयर वालो मान मौजूद कोने इनो द प्रॉपर्टी जो हकदार प्रीमिशन राइट के हवाले सा मौजूद कोना है सेकंड क्लास जने रस्ते के हवाले सा पानी के हवाले सा वो शख्स मौजूद कोना है जो प्रीमिशन राइट क्लेम कर सके तो थर्ड कैटेगरी जे का है तो एडजॉइनिंग लैंड यानी बरसा वाली जमीन मुझे बरसा मुझी जमीन जे लगो लगा है ने करे मुजो हक है तो ट्रो क्लास वो है तो थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन जो क्लेम कर दो प्रीमिशन राइट सा वो शख्स कर सके हां ये तो दिया क्लेम के हवाले से केयर क्लेम कर सके केड़े तरीके सा वो इतनी शख्स मा जे करे कोई शख्स क्लेम कर चाहे प्रीमिशन राइट केड़े तरीके सा हक शुफ हासिल कर सके जे वक्त उन शख्स के खबर पई त अलफ की प्रॉपर्टी मुझे प्रॉपर्टी का हिस्से में आए या उन सा मुझे पानी जो वावा विचार या रस्ते जो अचर वजन गदा है या उन की जमीन मुझे जमीन के बरसा है आई जी उन के खबर पवे त उन्हें उन प्रिंटर था यानी घरवारे का जो खरीद कर चाहे तो उन का पूछो कौन आई कपाय चली जे वक्त उन के इंफॉर्मेशन मिली ज्ञान मिली नॉलेज मिली उन वक्त हो सब हाँ पेरा डिमांड या कदो तो या जमीन मुझे बसा है मुझे हिस्सेदारी में हुई मुझे पानी रस्ते से गडो पेरो हकदार माया इने जी विक्रो जे को थियो है गलत थियो है इने जी हक शुफा के हवाले से मा दावा कर सका दो मा दावा कदम मुझे हक है उन के मा खरीद कया सब हाँ पेरा या डिमांड होती बी डिमांड या होती तो हु बिन शायदन जो रूबरू उन जे जगह तो उन फर्स्ट डिमांड कई तो मा खरीद गया यो विक्रो गलत थियो है त बस शायद घट में घट उन जा उते मौजूद हो जन त उन जे रूबर हो या डिमांड कई पा उन क्लेम कई त इन जो हक इन जमीन ते इन इमोबल प्रॉपर्टी ते पेनो हक मौजूद है ए तमा को गवाह रजो त मा इन शे के ते राजी आ हां त मा या शे खरीद गया नंबर 2 टो जो क्लेम हो जे कोर्ट में और समझो कर इन बिन डिमांड का बाद में जे करो वो विक्रो करना कैंसिल करे उन के जे प्रिंटर के तो ठीक है जगन त थर्ड डिमांड जका होती कोर्ट में विधि त जेतरी एग्रीमेंट उन दी आया उतरा पैसा उन के देना पंदा विक्रो करण के त जेतरी एग्रीमेंट होती जेतरी सेल होती या जेतरी किस जेतरी जो सौदो थयो है ओ
ओतरे सौदे जा पैसा वो कोर्ट में या उन विक्रो करण के यहाँ जो पाबंद होंगे या अदालत सगोर उनके प्रिंक्शन के राय के हवाले से उन्हें को जमीन जेका विक्रो थी चुकी हो जे वो उनके जारी दी हिते सब का पहला यो समझण का पहला प्रिंक्शन जो राइट तदा पैदा थी दो जब वो इमोबिल प्रॉपर्टी विक्रो थी चुकी हो जे पोजीशन हवाले थी चुको हो जे यानी उन जी सेल एंड परचेज के हवाले से देखे प्रोसीजर आए वो अडॉप्ट ही चुको हो जे गाली हलदल हो जे लीज हो जे गिफ्ट हो जे वसीयत हो जे या वक्फ प्रॉपर्टी हो जे अड़े किस्म जी प्रॉपर्टी हो जे के सेल के जिम्मे में नथी हो जे उन के खिलाफ के किस्म जी प्रिम्पशन दी दावा नथी कर सके प्रिम्पशन दी दावा जे वक्त होने के नॉलेज में आई यार खबर पई प्रिम्प्टर के जे को खरीद कर चाहे तो इरादो रखे तो डिक्लेरेशन करे तो नियत आई पाजो मेरा नियत जाहिर करे तो उन के 1 साल के अंदर अंदर उन प्रिम्प्शन राइट्स के हवाले से उन के दावा दाखिल करनी पड़ी यानी 1 साल के अंदर अगर जे उन दावा कई तो वा वैलिड होती विदन टाइम होती साल हा बाद के रूपा जो प्रिम्प्शन जो राइट खत्म कर सके तो उन के किस्म जो कानून इजाजत न तो जे तो साल हा बाद में टाइम बार थी करे पान प्रिम्प्शन की दावा कर सके तो प्रिम्प्शन हके शुफा है टे डिमांड्स उन में जे के मा ता के बताया टन किस्म जा शख्स उन में कर सकन ता सेल दी हो जे प्रॉपर्टी सेल थी चुकी हो जे विक्रो थी चुके हो जे इमोबिल प्रॉपर्टी ने वा दावा थी सकनी 1 साल के अंदर अंदर उन प्रिम्प्शन राइट्स के मानु अदालत सगोरी में खड़ी अच सके तो साल का बाद में के किस्म की दावा प्रिम्प्शन के हवाले सा काबिल कबूल न हो यो है प्रिम्प्शन चैप्टर नंबर 13 मोहम्मद लाल के हवाले सा जे को शरई कानून है को मुसलमान पाजे प्रिम्प्शन राइट्स के मोहम्मद लाल शरई कानून चैप्टर नंबर 13 ते नजर रख प्रिम्प्शन के हवाले सा हुकूक आन इमोबिल प्रॉपर्टी के हवाले सा वे पाजा जे कर तो हो कर सके तो विद इन टाइम कर सके तो आफ्टर सेल का को कर सके तो ट्रेड डिमांड्स उन के पूरी करनी पड़ी हो एंड ट्रेड किस्म जा शख्स कर सके ता के किस्म जी चौथी कैटेगरी की का दूजा शक्ति इंश्योर राइट्स में का है कानून के हवाले से चैप्टर नंबर 13 आके शुफा के हवाले से लेक्चर असन तो आके जरूर पसंद आयो हो इंशाल्लाह ताला के नेक्स्ट टाइम के नए मौजू सा जरूर हाजिर से ज्यादा तेज से मिल